हेलो एवरीवन, मैं इंजीनियर देवेंद्र कुमार, अपने यूट्यूब चैनल इंजीनियर देवेंद्र कुमार NITN पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेवे दोस्तों, क्योंकि सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। आपको सब्सक्राइब करने में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमें आपके सब्सक्राइब कर देने से बहुत मोटिवेशन मिलता है दोस्तों। आप हमसे एक तरह से जुड़ जाते हैं, आप हमारे दिल में जगह बना लेते हैं दोस्तों। इसके साथ ही आप बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करके ऑन नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि लेटेस्ट वीडियो और जब भी क्लासेस आती रहेगी तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। दोस्तों, मैं 11वीं 12वीं के गणित के संपूर्ण पाठ्यक्रम की यह सीरीज आपके लिए लेकर आया हूं, तो आप इस सीरीज को हमेशा देखें और अपने दोस्तों को भी इसके बारे में बताएं। इसमें 11वीं और 12वीं के गणित का एक एक चैप्टर का एक एक प्रश्न, एक एक टॉपिक क्लियर कराया जाएगा। इसके अंतर्गत आपको पहले थ्योरी पढ़ाई जाएगी, उसके बाद सभी के प्रश्न मेथड्स तरीकों के साथ कराए जाएंगे। उसके बाद हमारे सालों के एक्सपीरियंस और हजारों हजार क्वेश्चन करने के बाद उससे मिले निष्कर्ष से कुछ शॉर्ट ट्रिक अर्थात ब्रह्मास्त्र बनाए गए हैं, वो भी काजू बादाम की तरह सीधे आपके सामने मैं पेश करने वाला हूं। तो दोस्तों, मैं बता दूं, ये जो 11वीं 12वीं के संपूर्ण पाठ्यक्रम की जो सीरीज है, इसमें आपको 11वीं 12वीं के लिए तो बहुत उपयोगी है। बोर्ड परीक्षा, चाहे वो CBSE बोर्ड हो, चाहे वो RBSE बोर्ड हो, चाहे ICSE बोर्ड हो या कोई भी स्टेट बोर्ड हो, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और इसके साथ साथ मैं बात करूं, भारत के प्रतिष्ठित जो कॉलेज होते हैं, संस्थान होते हैं, जैसे IIT भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, NIT राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान में प्रवेश पाने के लिए प्रतियोगी परीक्षाएं जो होती है, जैसे JEE मेन और JEE एडवांस, उसके लिए भी इसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान इस सीरीज का होने वाला है। इसके साथ साथ जिसका लक्ष्य NDA में जाने का है, जो 12वीं के बाद अफसर बनना चाहता है डिफेंस में, उसके लिए भी NDA में 300 मार्क्स का पेपर गणित का होने वाला है, तो उसके लिए भी बहुत उपयोगी है। इसके अलावा नेवी, NDA, एयरफोर्स, तीनों फोर्स में भी इसका बहुत योगदान है। तो इस सीरीज को ध्यानपूर्वक देखें। इसके अतिरिक्त कोई भी सरकारी अध्यापक यानी फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर गणित विषय में, या फिर वरिष्ठ अध्यापक सेकेंड ग्रेड टीचर बनना चाहता है, तो उसके लिए भी ये बहुत उपयोगी है। तो 11वीं और 12वीं का एक एक चैप्टर, एक एक पॉइंट, एक एक प्रश्न शॉर्ट ट्रिकों के साथ करवाने वाले हैं। सबसे पहले थ्योरी, फिर तरीके, और उसके अलावा शॉर्ट ट्रिक बनाई जाएगी। तो दोस्तों, सेकेंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड में भी बहुत इसका योगदान है। जैसे फर्स्ट ग्रेड की बात करूं गणित में, तो 55 क्वेश्चन 110 नंबर के पूछे जाएंगे। सेकेंड ग्रेड की बात करूं तो उसमें 90 क्वेश्चन 180 मार्क्स के पूछे जाएंगे। NDA की बात करूं तो उसमें 300 मार्क्स का एक अलग से पेपर गणित का होगा, और 11वीं 12वीं बोर्ड में तो उपयोगी है। इसके साथ साथ यदि मैं JEE मेन एडवांस की बात करूं तो 33% वेटेज गणित का होगा, इसी सेगमेंट का होगा। तो दोस्तों, ये सेगमेंट बहुत उपयोगी है। अब अपन आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं। तो एक बार शेयर कर दीजिए भाई, सबको, अभी तक शेयर नहीं किया तो शेयर कर दीजिए। मैं अब आपको तब तक लेकर चलता हूँ अपने डिजिटल सेटअप पर, तब तक आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो चलो चलते हैं डिजिटल सेटअप पर। तो दोस्तों, अब हम करने वाले हैं अवकलन पर आधारित ऐसे प्रश्न जिनका अवकलन करने के लिए अपन को लघुगणक अर्थात लॉगरिथम, लॉग का सहारा लेना पड़ता है। लॉग का प्रयोग करके, लघुगणक का प्रयोग करके अवकलन प्राप्त करना। दोस्तों, सबसे पहले तो पता कैसे चले भाई, कोई कहने आएगा क्या लघुगणक लेना है? कोई कहने नहीं आएगा। प्रश्न को देख कर एनालिसिस करना है, तो मैं वो तरीके सिखाऊंगा जिससे कि आपको पता चलेगा कि भाई इसमें लघुगणक लेना है या नहीं, लेने वाला प्रश्न है या नहीं। और लघुगणक लेने वाले प्रश्न सामान्यतया बड़े होते हैं, लंबाई में बड़े होते हैं, एक दो पेज उसमें फिल हो जाते हैं, एक दो पेज लिखना पड़ता है। लेकिन अपने पास वो मेथड तो बताएंगे ही बताएंगे, ताकि बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी है। और मेथड से आपके दिमाग में कोशिका की वृद्धि और मरम्मत होती है। जैसे प्रोटीन कोशिका की मरम्मत करता है, वैसे अपने यहाँ प्रोटीन है, कोशिका की वृद्धि और विकास होगा। लेकिन जल्दी एनर्जी प्राप्त करने के लिए
जैसे जल्दी एनर्जी प्राप्त करने के लिए कुछ चीजें भी चाहिए, उसी प्रकार जल्दी उत्तर प्राप्त करने के लिए ऐसा ब्रह्मास्त्र दूंगा दोस्तों, दो दो पन्ने की मेहनत, सिर्फ दो लाइन भी नहीं लगेगी, दो अक्षर में सीधा विदाउट यूजिंग पेन और पेंसिल यू कैन राइट द आंसर ऑफ दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। बिना पेन और पेंसिल का प्रयोग किए आप प्रश्न को देखकर ही उसका उत्तर लिखते, ऐसा ब्रह्मास्त्र देने वाला हूं दोस्तों। तो आप पहले मैं थोड़ी बता देता हूं भाई पहचान कैसे करते हैं, नॉर्मल तरीकों को आपको बता देता हूं। देखो ये कोई हेडिंग तो है नहीं, बट मैं लिख देता हूं लघुगणक लेने वाले अवकलन, लघुगणक लेकर सरल करने वाले अवकलन भाई, लघुगणक लेकर सरल, लघुगणक लेकर सरल करने वाले या लघुगणक लेकर अवकलन करने वाले, लघुगणक लेकर अवकलन करना, अवकलन अवकलन करना, ठीक है। तो कब लेते हैं कब नहीं लेते हैं पूरी कहानी पूरे केस आपको दोस्तों मैं आपको बताता हूं पूरे केस पूरे कहानी कब लेना है कब नहीं लेना उसका विवरण बताता हूं दोस्तों। तो अब यहां पर मैं ये सिखाता हूं टाइप भाई। तो पहले तो एक तो चर की घात चर वाले प्रश्नों में, चर की घात ये चर है और इसकी घात भी चर हो दोस्तों, चर की घात जब चर हो तो ऐसे प्रश्नों में, चर की घात चर हो तो ऐसे प्रश्नों में लघुगणक का प्रयोग किया जाता है। अब ये चर अलग अलग हो एक हो तो उसके लिए दो टाइप के प्रश्न इसके अंदर आते हैं, एक तो जैसे कोई fx है, और उसकी घात है कोई gx, ऐसे प्रश्न भाई, आधार में भी x की घात वाले प्रश्न भाई, आधार में भी x के फलन fx और घात में भी x के फलन दोनों में समान चर हो, समान चर x हो, fx नीचे हो ऊपर gx हो, मतलब x का फलन नीचे हो x का फलन ही घात में हो, चर की घात चर हो, ऐसे प्रश्नों में लघुगणक का प्रयोग किया जाता है। या फिर जरूरी नहीं, मैंने कहा चर की घात चर हो, जरूरी नहीं वो x ही अकेला हो, तो एक काम कर सकते हैं दूसरे टाइप का प्रश्न क्या हो सकता है दोस्तों, दूसरे टाइप का प्रश्न हो सकता है कि भाई fx है उसकी घात gy हो सकता है भाई, दूसरा फलन और वो y का फलन, बिकॉज यहां पर dy by dx करने के लिए x भी चर होता है और y भी चर होता है। तो या तो ये या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं दोस्तों, या तो ये या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं भाई, नीचे fy आ जाए अर्थात y का फलन आ जाए और ऊपर x का फलन अर्थात gx आ जाए, भाई चर की घात चर में दो टाइप है, एक तो fx की घात gx समान चर वाले चर की घात चर, और एक अलग अलग जो चर वाले फलन जिनमें है चर की घात चर लेकिन एक y का फलन है एक x का फलन। एक और टाइप में करते हैं ये तो देखो, एक a में मान लो a प्रकार के प्रश्नों में करते हैं, उसमें ये दो तरीके से ले सकते हैं भाई, समान चर हो तब चर की घात चर, एक असमान चर हो, या फिर अगला बी टाइप का प्रश्न वहां कर सकते हैं जहां कॉम्प्लेक्स गुणा हो, बहुत सारे गुणा हो, तो लघुगणक का प्रयोग कर गुणा को अपन प्लस में परिवर्तन कर सकते हैं और प्लस में अवकलन बड़ी आसानी से हो जाता है। क्यों, देखिए वो यू प्लस वी प्लस आपने देखा होगा, वो यू प्लस वी प्लस, तो अवकलन आसानी से हो जाता है। एक भाग है, भाग है अपना, तो भाग में बहुत सारे भाग गुणा भाग हो तो भाग को लघुगणक की सहायता से माइनस में बदला जा सकता है, इसलिए वहां पर भी लघुगणक लिया जा सकता है। या फिर कभी कभी अंडररूट हो, कभी कभी क्या हो, कभी कभी दोस्तों अंडररूट हो और उसके अंदर फलन गुणा में और भाग में ऐसे हो तो लॉग लिया जाता है, ताकि ये घात को गुणांक में बदलता है, ये घात है इसको गुणांक में बदल देता है, तो ये घात है, इस घात को दोस्तों
ये गुणांक में मल्टीप्लायर में बदल देता है, गुणांक में बदल देता है। तो कितना आसान है, देखो गुणा हार्ड होता है क्योंकि यू डॉट वी हार्ड होता है यू प्लस वी के अवकलन करने से। यू डॉट वी का हार्ड होता है, यू प्लस वी का तो यू डैश प्लस वी डैश हो जाता है, तो एक तो ये काम करता। एक मुश्किल भाग होते हैं तो u बटे v कितना हार्ड होता है यदि इसकी जगह u माइनस v आसान होता है। और घात जो होती है, घात x की पावर n वाला लगता है, तो घात को गुणांक में परिवर्तित कर देता है। तो इस प्रकार के प्रश्न तो दो टाइप के हैं, लेकिन पूरा बात करूं तो देखो टाइप वन के वो प्रश्न, तीन टाइप में इनमें करवा रहा हूं वो प्रश्न। देखो टाइप लिख देता हूं मैं भाई, टाइप उसी हिसाब से प्रश्न करवाने वाला भाई। पहली टाइप के वो प्रश्न, पहली टाइप के ये टाइप वन प्रश्न। टाइप वन प्रश्न वो प्रश्न जिसमें चर की घात चर हो लेकिन समान चर हो। दूसरी टाइप के प्रश्न चर की घात चर हो लेकिन वो चर अलग अलग हो, टाइप टू। और टाइप थ्री में ये गुणा भाग वाले चेंज करने वाले, टाइप थ्री। यानी ये तीन प्रकार के पर मैं प्रश्न, शॉर्ट ट्रिक और थ्योरी सब, पहले थ्योरी पढ़ाने वाला हूँ, फिर उसका मेथड बताने वाला हूँ, फिर उसका ब्रह्मास्त्र देने वाला हूँ। तो दोस्तों पूरा विश्लेषण कर कर मैं करने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं आगे चलता हूं, टाइप वन में आने से पहले थोड़ा लघुगणक की प्रॉपर्टियां बता देता हूं ताकि आगे काम में दोस्तों ये आने वाली है। कैसी प्रॉपर्टियां, देखिए ये जो लॉग होता है अपना, लॉग बेस कुछ भी हो, एम बटे एन क्या होता है, एम बटे एन बेस जो होती है वो सेम बेस चलती रहेगी। बेस मतलब आधार जो यहां होता है। लॉग एम बटे एन को लॉग एम माइनस लॉग एन लिखा जाता है। देखो लघुगणक ने क्या कर दिया, भाग को माइनस में परिवर्तन कर दिया। इसका अवकलन मुश्किल था, इसका अवकलन आसान है, यूडेस माइनस वीडेस। एक लॉग एम गुणे एन है, एम गुणे एन है, तो उसमें क्या हो गया दोस्तों, वो अलग अलग हो गया। यानी लॉग एम प्लस लॉग एन, यानी लॉग ने गुणा को प्लस में बदल दिया। अब अगला ये एक नंबर मान लू, ये दो नंबर मान लू, ये तीन नंबर बताना चाहूं तो दोस्तों लॉग m की घात n है, यानी ये घात आगे आ जाती है n log m। कहने का मतलब देखो यहां पर क्या हुआ, गुणा को प्लस में परिवर्तित कर दिया लॉग ने, भाग को इसमें माइनस में परिवर्तित कर दिया देखो, और इसमें घात को देखो गुणांक में परिवर्तित कर दिया, घात को गुणांक में परिवर्तित कर दिया। भाई साहब घात को गुणांक में परिवर्तन कर दिया, वही तो मैं कह रहा था आपको, वही तो मैं कह रहा था कि ये तीनों बदल देंगे। और याद रखने का तरीका मैंने बता रखा है, चाहे लॉगरिथम हो, अवकलन हो, समाकलन हो, गुणा देखो, देखो गुणा देखो प्लस जैसा, देखो प्लस जैसा तो प्लस में चेंज। भाग देखो दूर से मेरी आंखें कमजोर, मुझे डॉट दिखाई नहीं दिए, जो ये डॉट है दोस्तों, ये जो डॉट है वो मुझे दिखाई नहीं दिए ये वाले, तो ये माइनस में परिवर्तन। और घात लोग क्या करता है, लोग अच्छे अच्छे लोगों को लोग गिराना चाहते हैं, अर्थात इसको अर्श से फर्श पर लाना चाहते हैं, अर्थात ये आगे आ गया। और एक चौथा और लास्ट में बता रहा हूं कि जो भी कोई भाटा है उसकी पावर लोग बेस भी भाटा है और x है, तो इसका मान x आ जाएगा। भाटा कुछ नहीं, यहां मान रख दो, जैसे e है तो e रख दो, यहां e यहां भी e, दोनों बेस e की घात log बेस e x है, तो x आ जाता है, मतलब वो बेस वाले से log से log हट जाता है। ये चार प्रॉपर्टियां काम आएगी इसलिए लिखा है। तो अब मैं लेता हूं टाइप वन प्रकार के प्रश्न अपन कर रहे हैं भाई, टाइप वन कर रहे हैं, टाइप वन प्रकार के प्रश्नों को मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं। टाइप वन के प्रश्न होते हैं f x की घात g x वाले, मतलब x का फलन ही आधार में, x का फलन ही घात में, तो ये वाले प्रश्न करने वाला हूं लघुगणक की सहायता से। तो देखिए इसमें मैं अच्छे अच्छे प्रश्न अब ले रहा हूं आपके सामने। तो पहला प्रश्न x की घात sin x का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। प्रश्न है x की घात sin x का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। अब देखिए फाइंड डेरिवेटिव ऑफ x पावर sin x विथ रेस्पेक्ट टू x। अब इसका अवकलन मुझे दोस्तों करना है। अवकलन करते टाइम मुझे पता चल गया है कि ये जो अपना प्रश्न है इसमें चर की घात चर है, इसके प्रश्न में चर की घात चर है और दोनों चर समान भी है, वो मैटर नहीं करता लॉग में, लेकिन वो टाइप अलग अलग इसलिए बताया, मेरी शॉर्ट ट्रिक है, मैं मैटर करता है दोस्तों, मैंने शॉर्ट ट्रिक बनाई है
उसमें उसका थोड़ा फर्क पड़ता है दोस्तों। अब देखिए, इस प्रश्न को करने के लिए मैं पहले इसको वाई मानूंगा, वाई मानूंगा, फिर दोनों तरफ लोग लूंगा, इसको वाई यू वी डब्ल्यू कुछ मानकर करना है। तो देखिए, इस प्रश्न को करने के लिए पहले मैं हल बताता हूं दोस्तों, पहले मैं हल बताता हूं, फिर शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, और अगले क्वेश्चन से पहले शॉर्ट ट्रिक फिर क्वेश्चन। देखिए, सबसे पहले इसको मान लेता हूं वाई बराबर एक्स की पावर साइन एक्स। भाई ये प्रश्न दिया है, इसको वाई बराबर मान लो, ये माना है, पुट है ना, लेट है, लेट लेट वाई इक्वल टू एक्स की पावर साइन एक्स। गणित में हिंदी मीडियम अंग्रेजी मीडियम में बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, थोड़ा बहुत फर्क होता है उतना मैं बोल दे रहा हूं, तो इंग्लिश मीडियम भी देख सकते हैं। तो भाई ये क्या आ गई, ये समीकरण नंबर एक यानी इक्वेशन वन आ गई। ऐसे ही मैंने दे ली कि बाद में जरूरत पड़े तो ले लूंगा। अब देखिए, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, इसको सरल कर रहा हूं, देखिए दोनों पक्षों में, दोनों दोनों ये अपने दोनों मतलब दोनों पक्षों में, दोनों पक्ष मतलब दो पक्ष होते हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, बायां पक्ष और दायां पक्ष, दोनों पक्षों में, पक्षों में, दोनों पक्षों में लघुगणक लेने पर, लघुगणक या लॉग लिख लो डायरेक्ट, लॉग लेने पर है ना, ये लघुगणक क्या बड़ा है, तो लॉग लेने पर, लॉग लेने पर, लेने पर। भाई लॉग के जब बेस नहीं लिखू तो ई लिख लेना, लॉग बेस ई है भाई, है ना, लॉग लेने पर। देखो लॉग लेंगे तो इधर तो कौन, लॉग बेस ई वाई, लॉग वाई बराबर, इधर कौन, लॉग बेस तो कुछ नहीं तो ई एक्स की पावर साइन एक्स। अब मैंने अभी अभी सूत्र बताए थे, देखो लॉग वाई जो लॉग बेस ई वाई बराबर, यहां देखिए दोस्तों मैंने अभी अभी बताया था, तो लॉग क्या करते हैं, ये देखो लॉग इसको ऊपर वालों को अर्श से फर्श पर गिराना चाहते हैं, अर्थात साइन एक्स इसकी घात आगे आ जाएगी, साइन एक्स गुणे में आगे लॉग बेस ये एक्स, लॉग एक्स। अब देखिए ये यू डॉट वी हो गया है, तो दोनों पक्षों में एक्स के सापेक्ष अपने को तो डीवाई बाई डीएक्स चाहिए भाई, इसमें एक्स के सापेक्ष अवकलन चाहिए, अर्थात डीवाई बाई डीएक्स चाहिए। अब देखो वो करने के लिए क्या करें, वो करने के लिए दोनों पक्षों में अवकलन करने, दोनों पक्षों का एक बार पूरा तरीका लिख रहा हूं भाई, दोनों दोनों पक्षों में क्या करना है, दोनों पक्षों में बताइए, एक्स के सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन, अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, करने पर, करने पर, करने पर। अब देखिए दोस्तों, अब मैं ये कह रहा हूं अवकलन करेंगे तो दोनों तरफ d बाई डी एक्स लिख देता हूं, तो d बाई डी एक्स हो, d बाई डी एक्स हो, इधर तो हो गया कौन, log y, e लिखता नहीं हूं भाई, कुछ नहीं है मतलब e है तो क्या लिखना, और इधर d बाई डी एक्स हो, d बाई डी एक्स हो साइन एक्स गुणे log x। अब देखो इधर बाएं पक्ष में तो log y का अवकलन करना है और दाएं पक्ष में u डॉट v वाला लगाना है, यानी u डॉट v वाला लगाना है दोस्तों। तो मैं क्या करता हूं, यहां पर आगे देखो मैंने कहा दो दो पेज में होंगे, बड़े बड़े होते हैं ये प्रश्न, बड़े होते हैं दोस्तों, ये प्रश्न बड़े होते हैं, तो यहां पर ये ले लिया मैंने ये, अब आगे सरल करता हूं, अब आगे सरल करता हूं। देखिए अब मैं कहता हूं कि भाई लॉग वाई वाला प्रश्न है, तो यहां तो लिख देता हूं लॉग वाई का अवकलन क्या, एक बट्टे वाई, लेकिन सर ये तो लॉग वाई का वाई के सापेक्ष हुआ, तो x के सापेक्ष करना है तो dy बाई डी एक्स फ्री में लिख दो, dy बाई डी एक्स फ्री में लिख दो। अब इन्हीं प्रश्नों को आगे सरल करते हैं, इसी चीज को अपन आगे सरल करने की कोशिश करते हैं, तो यहां देखिए u डॉट v है, तो कैसे करेंगे, एक बार साइन है जैसे, तो साइन है जैसे, साइन x है जैसे, और दूसरे का अवकलन यानी d बाई डी एक्स ऑफ log x ले लेते हैं, log x ले लेते हैं, और एक बार क्या करेंगे दोस्तों, अगली बार क्या करेंगे, अगली बार प्लस इस बार log x है जैसे sin x का अवकलन, log x है जैसे d बाई डी एक्स ऑफ sin x ले लेते हैं, sin x ले लेते हैं, ये sin x, ये कौन सा सूत्र लग गया दोस्तों, इसमें वो सूत्र लगाया कौन सा, u डॉट v का करेंगे तो u v डैश प्लस
VUDS, तो वो वाले से। तो यहाँ तो इधर वापिस लिख देता हूँ दोस्तों, मैं यहाँ वापिस लिख देता हूँ क्या, एक बटे वाई, और इधर तो कुछ नहीं डीवाई बाई डी एक्स, तो डीवाई बाई डी एक्स, डीवाई बाई डी एक्स लो। इसके बाद ये साइन एक्स है जैसे, साइन एक्स है जैसे, ये साइन एक्स है जैसे, लॉग एक्स का उकलन एक बटे एक्स होता तो कोष्टक में एक बटे एक्स लिख देता हूँ, प्लस का चिन्ह तो प्लस का चिन्ह। इस बार लॉग एक्स है जैसे, इस बार लॉग एक्स है जैसे, तो ये लॉग एक्स को है जैसे लिख दिया, और साइन एक्स का होता है दोस्तों कोस एक्स, तो गुणे में कोस एक्स लिख दिया। तो अब इधर लघुतम ले लेता हूँ, सरल करना है तो लघुतम ले लेता हूँ भाई, वन बटे वाई डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स, और इधर लघुतम ले लेता हूँ, तो लघुतम आएगा दोस्तों, यहाँ का लघुतम क्या आएगा भाई, उत्तर तो यही आ गया, या एक काम करो वाई को उधर भेज दो, है ना, वाई को उधर भेज दो, वाई को उधर भेज दो, आपके वाई को उधर भेज दो, कैसे, डीवाई बाई डी एक्स ज्ञात करना है, डीवाई बाई डी एक्स ज्ञात करना है, तो वाई को इधर भेज दो, डीवाई बाई डी एक्स ज्ञात करना है तो वाई को इधर भेज दो, डीवाई बाई डी एक्स ज्ञात करना है तो वाई देखो गुणा में आ जाएगा, पूरे के गुणा में आ जाएगा, और यहाँ पे कोष्टक क्या आ जाएगा, साइन एक्स बटे एक्स, साइन एक्स बटे एक्स, प्लस ये आ जाएगा कोस एक्स लॉग एक्स, कोस एक्स लॉग एक्स, कोस एक्स गुणे लॉग एक्स, ये आ गया। अब वाई का मान क्या, वाई का मान समीकरण नंबर एक से वापिस रखो, क्योंकि वाई तो माना है, तो जिसको माना है उसको भगाना होता है, तो डीवाई बाई डी एक्स, डीवाई बाई डी एक्स इसका उत्तर आने वाला है दोस्तों, वाई की जगह तो एक्स की पावर साइन एक्स, एक्स की पावर साइन एक्स, और दोस्तों ये यहाँ पर उत्तर आने वाला है साइन एक्स बटे एक्स प्लस कोस एक्स लॉग एक्स। अब चाहो तो दोस्तों उत्तर तो ये आ चुका है, चाहो तो लघुतम लेकर सरल कर दो भाई, उत्तर ये भी लिख सकते हो, अगली स्टेप में लिख रहा हूं वो भी लिख सकते हैं, देखिए यहां से मैं लिख कर अगली स्टेप में उत्तर लिख रहा हूं, या थोड़ा यही नीचे ले लेता हूं दोस्तों। देखिए मैं ये कह रहा हूं कि इसको करने के लिए क्या करना अपने को, इसको करने के लिए देखिए दोस्तों, dy by dx, dy by dx बराबर x की पावर साइन x, x की पावर साइन x, और इसको देखो लघुतम x लिया तो यहाँ साइन x प्लस x cos x log x बटे x, मैंने क्या किया, कुछ नहीं किया, ओनली लघुतम लिया है, लेसे पे लिया है। अब बताओ लेसे पे आपने लिया है तो आगे dy by dx लिखना चाहता हूं, तो देखो भाई लेसे पे तुमने ले लिया है तो dy by dx लिखना चाहूं तो देखो ये x की घात sin x, ये x की घात 1, ये हर वाली ऊपर जाना चाहती है तो ये भाई बाहर आ सकती है, तो x की घात sin x और ये x की घात 1 ऊपर जाएगी तो x की घात माइनस 1 यानी sin x माइनस 1, और अंदर में साइन एक्स प्लस एक्स कोस एक्स लॉग एक्स गुणे लॉग एक्स, ये आपका आ गया फाइनल आंसर भाई। उत्तर आप ये मान लो या ये मान लो या ये मान लो, ऊपर वाला या तो ये मान लो या ये मान लो या ये मान लो, इनमें से कोई उत्तर आप ले सकते हैं दोस्तों। अब मैं ये बता रहा हूं कि उत्तर आ तो यही गया था पहली स्टेप में, जैसे मैं बताना चाहूं दोस्तों उत्तर तो भाई साहब ये यही आ गया था, उत्तर तो भाई साहब ये यहीं पर आ गया था, ये वाला भी देखा जाए तो ये एक तरह से उत्तर यही आ गया है ये वाला, बट इसको आगे सरल किया कैलकुलेशन, उत्तर तो यही आ गया तो उसको नीचे तक सरल किया ताकि आगे तक सरल भी तो करना है, तो ये मैंने उत्तर दिया। यही चीज मैं अब ब्रह्मास्त्र सिखाऊं, देखो तरीका कितना लंबा है, पूरा पेज ऑक्यूपाई कर लिया, दो पन्ने भर गए हैं, देखो इतना सारा आया है। अब मैं इसका शॉर्ट ट्रिक बताना चाहूं तो दोस्तों अब शॉर्ट ट्रिक उसी प्रश्न में मैं लगाने की कोशिश करता हूं, x की पावर साइन x ये मेरा प्रश्न था, x की पावर साइन x ये मेरा प्रश्न था दोस्तों। मैं आपको बता दूं उस प्रश्न को मैंने तरीके से किया तो मैंने आपको बताया कि 2 से 3 पेज फिल हो गए हैं। अब मैं इसी प्रश्न को दोस्तों करना चाहता हूं शॉर्ट ट्रिक से, ब्रह्मास्त्र से, तो इसका उत्तर कैसे लिखूंगा, यदि मैं इसी प्रश्न को दोस्तों शॉर्ट ट्रिक से लिखूं, शॉर्ट ट्रिक यानी दोस्तों ब्रह्मास्त्र की मदद से लिखूं, देखना ये बहुत ही शानदार ब्रह्मास्त्र है, अच्छे अच्छों को ये ब्रह्मास्त्र चलाना भी नहीं आता दोस्तों,
दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँ, ये प्रश्न आपके बीच में है, एक्स की पावर साइन एक्स, इसको मैंने बड़ी लॉन्ग प्रोसेस से आपको करके बता दिया है, अब शॉर्ट ट्रिक की बारी है। अब दोस्तों मैं पहले इसका उत्तर लिखना चाहता हूँ। देखिए उत्तर आएगा एक्स की पावर साइन एक्स, एक्स की पावर साइन एक्स, और फिर यहां पर आएगा उत्तर क्या आएगा, देखिए साइन एक्स बटे एक्स, साइन एक्स बटे एक्स प्लस लॉग एक्स कोस एक्स, ये आंसर आया है दोस्तों। अब इसको सरल करना अलग बात है। अब देखिए इस आंसर को मैच खिलाते हैं, देखिए ये रहा आंसर, ये देखिए ये वाला जो मैं आपको बताना चाहूँ, ये वाला आंसर ये रहा, ये रहा, ये वाला आंसर है। फिर आगे सरलीकरण हुआ है वो अलग बात है। तो दोस्तों ये आंसर आ गया है, तो इसका ये आंसर है। आगे इसको सरलीकरण करें तो क्या आएगा, देखो एक्स कॉमन ले लीजिएगा और तो एक्स साइन एक्स, बस सरलीकरण उत्तर तो वो दोस्तों आ चुका है, एक्स साइन एक्स, और यहां पर ये लेसे पे ले लेता हूं एक्स का, तो एक्स लेसे पे आएगा तो ऊपर तो साइन एक्स आएगा, ऊपर तो साइन एक्स आएगा, और यहां पर एक्स है नहीं बटे में एक है तो यहाँ एक्स भी आएगा, एक्स कोस एक्स, एक्स कोस एक्स, और यहां पर लॉग एक्स भी आएगा दोस्त। तो ये उत्तर फाइनल आंसर है। अब इसको एक्स को और सरल करना चाहो भाई, एक्स को और सरल करना चाहो तो रुकता थोड़ी है प्रोसेस, प्रोसेस तो चलता रहता है, और सोल्व करना चाहो तो ये आ गया एक्स साइन एक्स माइनस वन, साइन एक्स माइनस वन मतलब देखो एक्स की घात एक है, ये ऊपर जाएगी तो माइनस एक हो जाएगी, तो वो माइनस एक हो गई, और अंदर आएगा साइन एक्स प्लस एक्स कोस एक्स लॉग एक्स, ये लो आंसर भाई। ये भी आंसर है, ये भी आंसर है, ये भी आंसर है। जैसे आपको पता है कि मैंने बताया कि वहां पे भी मैंने तीन आंसर बताया और उनको सरलीकृत करते हुए बताया, तो आंसर तो इसका ये फाइनल आंसर ये भी है, ये भी इसका फाइनल आंसर है दोस्तों, लेकिन इसको सरलीकरण। अब ये डायरेक्ट उत्तर लिखा कैसे, क्या मैंने याद कर रखा था, क्या मैंने आंसर याद कर रखा था, नहीं दोस्तों। इस उत्तर को मैं आपको ऐसी विधि बताने वाला हूं जिसके माध्यम से आप भी लिख सकते हैं। मैंने पहले उत्तर लिखा है दोस्तों, ये लिखा कैसे है आपको बताना चाहता हूं। देखिए दोस्तों जब भी चर की घात चर हो, जब भी चर की घात चर हो उसके लिए मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता देता हूँ, एक वो जो ब्रह्मास्त्र है इसको बता देता हूँ भाई ये है क्या। तो ये ब्रह्मास्त्र है, शॉर्ट ट्रिक जो ये ब्रह्मास्त्र है दोस्तों ये है क्या, ये जो मैं ब्रह्मास्त्र कहता रहता हूँ ये है क्या, ये ब्रह्मास्त्र है क्या दोस्तों। अब देखिए ये ब्रह्मास्त्र यहाँ पर लॉन्च कर रहा हूं मैं, जब भी मैं यहाँ पर मान लेता हूँ दोस्तों यू एपेक्स को यू मान लेता हूं, एपेक्स को यू मान लेता हूं, और जो वी मान लेता हूं जीएक्स को, जीएक्स को वी मान लेता हूं, अर्थात जो यहां पर अवकलन करना है वो एपेक्स की पावर जीएक्स का करना है, तो चर की घात चर है, अर्थात मैं इसको यू की पावर वी भी लिख सकता हूं, तो मैं इसको यू की पावर वी लिख देता हूं, यानी यू या एपेक्स है, पावर वी है, पावर वी चर की घात चर वाले सभी प्रश्नों में लगेगा, यहाँ एफ एक्स और एफ वाई की जगह, एफ एक्स की जगह एफ वाई भी हो सकता है, लेकिन वो मैं टाइप टू में अलग से डिस्कशन करने वाला हूँ। तो अभी आप मान के चलिए कि कोई आधार है वो एक्स का फलन है, घात भी एक्स का फलन है, तो उसको चर की घात चर कहा जाता है, चर की घात चर कहा जाता है, और इसका अवकलन क्या होगा, तो डी बाई डी एक्स ऑफ, डी बाई डी एक्स ऑफ यू की घात वी, ठीक है दोस्तों, तो डी बाई डी एक्स ऑफ, डी बाई डी एक्स ऑफ इसका अवकलन आपको करना है। अब देखिए दोस्तों इसका अवकलन बताने जा रहा हूं, या u क्या है, या u fx है और ये gx है दोस्तों, या u fx है और v gx है इसका आंसर दोस्तों मैं आपके बीच में करने जा रहा हूं, बड़े ध्यान से देखिए, देखिए उत्तर कर रहा हूं। उत्तर करने के लिए दोस्तों क्या है कि सबसे पहले यहां पर है जैसे का जैसे लिख दो, u की पावर v है जैसे का जैसे लिख दिया, कोई लॉग नहीं लेना, कुछ भी नहीं करना, सीधा उत्तर लिखो आप, तो यू की घात भी हेजे से लिख दिया तो हेजे से लिख दिया, फिर ऊपर वाले को ऊपर लिख दो, नीचे वाले को नीचे लिख दो, बटे हुए में नीचे लिख दो। अब यू नाराज हो गया, यू ने कहा कि भाई यू की घात वी था, तूने चुपचाप यू की घात वी आंसर में भी लिख दिया, उसके बाद वी बटे यू लिख दिया, मैं फिर नीचे आ गया, प्रश्न में नीचे था, तूने उत्तर में हेजे से लिखा तो नीचे लिखा, अब भी नीचे लगा, यार गुस्सा आता है कि नहीं आता है मुझको, तो बोला एक काम कर, एक काम कर,
तू हमारे साथ गुणा में अवकलन करवा ले, यहाँ यू डैश आ गया। तो U की घात V कोष्टक V बटे U गुणा V U डैश प्लस, अब देखिए, अब कहा कि भाई U तेरा अवकलन हो गया, अवकलन हो गया, तो बोला ठीक है ना, अब मेरे बारे में लोग सही कहेंगे कि भाई इसको भी साथ लेकर चला अभी, लोग सही कहेंगे, अर्थात लोग किसके बारे में कहेंगे, U के बारे में, तो लोग U। फिर बोला यार तेरे बारे में लोग अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, अरे यार तेरे बारे में लोग अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं तो मेरे बारे में भी कुछ भाई बोले, ऐसा अच्छा फीडबैक दे, तो ऐसे कर तू अवकलन हो जा, बोला वीडेस। यही उत्तर है, ये आपको याद होना चाहिए, ये इसका फाइनल उत्तर है, ये आपको आंसर याद होना चाहिए, ये शॉर्ट ट्रिक है। फिर बता देता हूँ दोस्तों, देखिए मैं बोला जब भी यू की घात वी का अवकलन करना है, वी और यू, या यू तो एफ एक्स है और वी जी एक्स है, चर की घात चर है, तो एज इट इज लिख दो, फिर घात बटे आधार, घात बटे आधार मतलब ऊपर वाला ऊपर बटे नीचे वाला नीचे, फिर नीचे वाले का अवकलन, नीचे वाले का अवकलन, फिर प्लस का चिन्ह, फिर प्लस का चिन्ह, फिर लोग यू मतलब नीचे आधार का लोग और दूसरे का वी डैश, दोस्तों वी डैश मतलब वी का अवकलन। फिर बता देता हूं, देखिए यू की घात वी का शॉर्ट ट्रिक है, वो होती है यू की घात वी, फिर V ऊपर है तो ऊपर वाला बटे U, U नाराज हो गया, बोला V तू पहले ही ऊपर था अभी भी ऊपर है, बोला तू तेरा अवकलन करवा ले, अवकलन करवा लिया तो वो खुश हो गया, बोला दोनों साथ साथ चलेंगे, अर्थात प्लस हो गया। फिर U ने बोला अब तो लोग मेरे बारे में अच्छा कहेंगे, अर्थात लोग U लिख दिया। फिर V नाराज हो गया, बोला लोग तेरे बारे में अच्छा कह रहे हैं, मेरे बारे में तो कुछ कहे, तो बोला तू अवकलन करवा ले तेरा, तो इस प्रकार से ही आया। अब देखो ये यही लगाना चाहता हूं, ये मैंने यहां इसमें लगाया है दोस्तों, ये मैंने इसमें लगाया, देखो लगाता हूं, सबसे पहले हैजे से लिख दो, देखो ये हैजे से लिख दिया, फिर क्या, फिर क्या ऊपर वाला ऊपर यानी जो साइन एक्स है उसे हैजे से ऊपर लिख दिया, देखो ये साइन एक्स को हैजे से ऊपर लिख दिया, और नीचे वाले को अर्थात एक्स को ये नीचे वाला लिख दिया। अब नीचे वाला नाराज हुआ तो एक्स का अवकलन एक्स के सापेक्ष एक होता है इसलिए वो लिखा ही नहीं, फिर प्लस का चिन्ह, फिर बोला मेरे बारे में लोग अच्छा कह रहे हैं, लोग एक्स, देखो ये लोग एक्स नीचे वाले का हर, ये लोग एक्स, और फिर साइन एक्स का अवकलन वी डैश, वी यहाँ पर साइन एक्स था, यू यहाँ पर वन था, तो यहाँ पर वी डैश मतलब साइन एक्स का अवकलन कोस एक्स, ये उत्तर आ गया, बस आ गया तो सरल किया गया, फाइनल उत्तर तो यही है दोस्तों। तो आप समझे होंगे मेरी शॉर्ट ट्रिक, बहुत प्यारी सी शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको बताई है। अब मैं चलता हूं दोस्तों अगले प्रश्नों पर, भाई अगला प्रश्न भी करना है तो अगले प्रश्न पे चलता हूं। क्वेश्चन, एक्स की घात लॉग एक्स प्लस प्लस लॉग एक्स की घात एक्स, इस बार और पिछले वाले में फर्क ये, पिछले वाले में एक ही चीज था, इस बार दो दो पद है, दो पद है, पिछली बार एक्स की पावर साइन एक्स में एक ही पद था, एक ही टर्म थी, इस बार दो टर्म है, तो क्या करना चाहिए हमको, दो टर्म है तो दोनों को अलग अलग लेना चाहिए, एक को यू मानकर एक को वी मानकर। तो देखो पहले इसका तरीके से आंसर करता हूं, तरीके से सर तरीके से करो पहले, फिर शॉर्ट ट्रिक बताना, पहले तरीके से बता रहा हूं ताकि दिमाग का विकास हो और फिर शॉर्ट ट्रिक आपके बीच में बताने वाला हूं। दोस्तों देखिए तरीके में, एक को यू मान लीजिए, माना एक को यू मान लेता हूं, माना यू कौन से, इसको मान लेता हूं, माना एक्स की पावर लॉग एक्स बराबर, लॉग एक्स बराबर क्या है, यू है, यू मान लो इसको, बराबर यू मान लेता हूं, और एक है लॉग एक्स की पावर वी, तो लॉग एक्स की पावर, लॉग एक्स की पावर एक्स को मान लेता हूं, वी मान लेता हूं, ये भी भाई वी और यू वो शॉर्ट ट्रिक वाले नहीं है, ये अलग मैंने माना है। अब देखिए, अब सबसे पहले मैं इसको वाई बराबर मान लू, ये इसको वाई बराबर मान लू, तो तभी तो डीवाई बाई एक्स होगा, और या नहीं भी चाहते हो तो कोई बात नहीं, आपको तो सीधा अवकलन करना है, कहने का मतलब ये हुआ कि डी बाई डी एक्स ऑफ, डी बाई डी एक्स ऑफ, भाई साहब इसका अवकलन करना चाहते हो, एक्स लॉग एक्स, एक्स लॉग एक्स प्लस लॉग एक्स की घात एक्स, तो देखिए ये है क्या, ये यू प्लस वी है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ, डी बाई डी एक्स ऑफ, इसको यू माना तो यू लिख देता हूं, उसको वी माना तो वी लिख देता हूं, तो इसको वी लिख देता हूं। अब देखिए दोनों अलग अलग होंगे, अर्थात डी यू बाई डी एक्स, तो ये u डैश यानी du बाई डी एक्स, du बाई डी एक्स, और प्लस
प्लस का चिन्ह दोस्तों डी वी बाई डी एक्स, ये डी पार्शियल वाला लगा दिया, डी वी बाई डी एक्स दोस्तों, ये डी है वो सीधा का सीधा है, ये टेढ़ा जो ऐसे लिखा जाता है कर्व, ये पार्शियल वालों के लिए लिखा जाता है, तो ये डी एक्स है। अब देखिए दोस्तों, अब इसका मतलब मैं u लेता हूं, पहले u बराबर क्या है, u बराबर मेरा है x की पावर log x, x की पावर log x। अब यदि मैं इस समीकरण में, ये समीकरण मान लो भाई इसके अंदर लिख दूं तो उत्तर आ जाएगा, मेरा उत्तर आ जाएगा तो x पावर log x, तो इसको सरल करता हूं, दोनों तरफ log लेने पर तो log u बराबर log log x की पावर log x, x की पावर log x, x की पावर log x। अब देखिए, मैंने कहा कि log m की पावर n हो तो n आगे आ जाती है, अर्थात इसको सही सरल करूं तो ये आ जाता है log u बराबर, ये देखो log x आगे आ जाता है, ये वाली टर्म आगे आ जाती है, अर्थात log x और जो बचा हुआ है वो भी log x है, तो log x गुणे log x। भाई अब चाहो तो इसको क्या कर लो, log स्क्वायर x लिख लो, चाहो तो इसको log स्क्वायर x लिख लो, और चाहो तो u डॉट v से कर दो। तो एक काम करता हूं, इसको आगे सरल करता हूं, तो आगे में आगे पेज को ले लेता हूं आगे। अब देखिए, इसको करने के लिए u का एक बात है, इसको सीधा सीधा लिख लो, log u बराबर, अब क्या करेंगे, ये log x का होल स्क्वायर लिख लेता हूं, चलो कोई बात नहीं, log x का होल स्क्वायर। अब भाई दोनों पक्षों में अवकलन कर दो x के सापेक्ष, दोनों पक्षों में अवकलन कर दो x के सापेक्ष, तो log u का 1 बाई यू, सर ये तो आपने 1 बाई यू u के सापेक्ष लिख दिया है, ये अवकलन तो आपने u के सापेक्ष लिख दिया है, तो क्या करो 1 बाई यू और v x के सापेक्ष करना है, तो क्या कर दो इसमें, यहाँ du बाई dx फ्री में लिख दो, du बाई dx फ्री में लिख दो, और log x का होल स्क्वायर, इसके अंदर दो फलन, पहले तो दो log x और फिर log x का कितना 1 बाई एक्स, अर्थात log x का होल स्क्वायर का दो log x बटे x, ये आ गया। अब इसमें u का मान निकालना है, तो पैरेलली मैं यहाँ पर u का मान निकाल देता हूँ, तो u का du बाई dx का मान चाहिए, तो du बाई dx का मान मैं निकाल देता हूँ, du बाई dx बराबर u, देखो उधर गुणा में है, उधर भाग में, इधर जाकर गुणा में आ जाएगा, यानी u u गुणे में 2 log x अपॉन x, 2 log x अपॉन x। अब u की जगह मान लिख दो, ये u किसको माना था, इसको माना था u, u इसको माना था, देखो तो ये मान लिख दो, ये मान रखेंगे तो u वाला आ गया x की पावर log x गुणे 2 log x बटे x। अब यहां पर मैं देखूं नीचे भी x की पावर कुछ है, एक है, ऊपर x की पावर log x है, तो x वाली पावर को मैं एक जगह जमा लेता हूं, यानी du by dx का मैं फाइनल आंसर लिखने वाला हूं, du by dx का मैं फाइनल आंसर लिखने वाला हूं दोस्तों। देखिए, ये x की घात ऊपर चली गई, तो x log x माइनस वन ये लो, और 2 log x यानी 2 log x गुणे में लिख देता हूं, गुणा 2 log x। भाई ये पहले भी लिखना चाहो किधर ही लिख दो, ये गुणा है बीच में, गुणे का चिन्ह। अब इतना ही लिख देता हूं मैं, ये du बाई dx है, तो मुझे एक तो du बाई dx चाहिए आंसर में, एक dv बाई dx चाहिए। अब जैसे मैंने u को किया वैसे का वैसे v को करता हूं, देखिए मैंने ये तो फाइंड कर लिया है, अब मैं ये फाइंड करना चाहता हूं, अर्थात v को मान लेता हूं, तो v बराबर क्या है, v बराबर मैंने माना log x की पावर x को, log x की पावर x को दोनों तरफ log लेने पर, दोनों तरफ जैसे u को सरल किया वैसे v को सरल करता हूं, दोनों पक्षों में log लेने पर, अर्थात log v बराबर, यहां log लेता हूं तो log ऑफ, आगे है log लिया, log x की पावर x, देखो log लेने से ये x की पावर आगे आ जाती है, अर्थात ये यहां आ जाती है, तो उत्तर आएगा इसका log v बराबर x log ऑफ log x, log ऑफ log x। अब दोनों पक्षों में x के सापेक्ष अवकलन कर दो, क्योंकि मुझे dv बाई dx चाहिए उत्तर में,
उत्तर में डीवी बाई डी एक्स चाहिए। तो उत्तर में जैसे डीयू बाई डी एक्स आ गया वैसे डीवी बाई डी एक्स आएगा, दोनों को जोड़ते ही मेरा उत्तर मिल जाएगा। अब देखिए दोस्तों, अब मैं यहां लिखना चाहता हूं कि लॉग वी, दोनों तरफ एक्स के सापेक्ष अवकलन करूंगा तो लॉग वी में वन बाई वी, लेकिन ये एक्स के सापेक्ष नहीं वी के सापेक्ष हुआ तो यहां पर डीवी बाई डी एक्स एक्स्ट्रा लिख दो, डीवी बाई डी एक्स एक्स्ट्रा लिख दो। और यहां पर देखो एक बार एक्स है जैसे लॉग ऑफ लॉग एक्स का अवकलन, तो एक्स है जैसे लॉग ऑफ लॉग एक्स का अवकलन एक बार, तो लॉग लॉग तो एक बटा लॉग एक्स, फिर लॉग एक्स का नीचे एक्स भी। देखो लॉग ऑफ लॉग एक्स का अवकलन करने के लिए एक्स है जैसे लॉग ऑफ बटा वन बाई बटा, फिर लॉग एक्स का वन बाई एक्स, तो गुणे वन बाई एक्स, वन बाई एक्स, ये तो एक टर्म का हुआ है। फिर प्लस अब दूसरी टर्म का, इस बार लॉग ऑफ लॉग एक्स है जैसे लॉग ऑफ लॉग एक्स है जैसे, और एक्स का अवकलन एक्स का एक होता, लिखने की जरूरत नहीं। और यहां पर देखा जाए तो दोस्तों देखिए ये एक्स से एक्स कट गया है, एक्स से एक्स कट गया है, तो वन बाई लॉग एक्स आया, तो उत्तर आया है वन बाई वी, वन बाई वी, थोड़ा इसको ऊपर ले लेता हूं, तो उत्तर आया है वन बाई वी डी वी बाई डी एक्स, डी वी बाई डी एक्स, डी वी बाई डी एक्स। इसके बाद में मैं क्या करता हूं दोस्तों, इसके बाद में ये लिख देता हूं, तो ये एक बटे लॉग एक्स है जो यहां पर एक्स एक्स कटने के बाद एक बटे लॉग एक्स आया, और इसके बाद प्लस का चिन्ह, और यहां पर लॉग ऑफ लॉग ऑफ लॉग एक्स है, लॉग एक्स, लॉग ऑफ लॉग एक्स। अब यहां पर लघुत्तम ले लेता हूं, है ना, लघुत्तम ले लेता हूं और वी को इधर भेज देता हूं, यानी डीवी बाई डी एक्स, डीवी बाई बटे डी एक्स, डीवी बाई डी एक्स। अब बराबर का चिन्ह लगा देता हूं दोस्तों यहां पर लॉग एक्स को, ये वी आ गया इधर, उधर भाग में था इधर गुना में, और इस ब्रैकेट में यहां पर लॉग एक्स लघुत्तम ले लेता हूं, लॉग एक्स लघुत्तम ले लेता हूं। देखिए दोनों का लघुत्तम लॉग एक्स, बिल्कुल लघुत्तम लेसे पे दोस्तों लॉग एक्स ही होने वाला है। इसके बाद या तो एक, या तो एक, और यहां पे प्लस एक है तो लॉग एक्स आएगा पहले, तो लॉग एक्स गुणे लॉग ऑफ लॉग ऑफ लॉग एक्स, लॉग एक्स ये आ गया इसका ये। अब v की जगह मान रखने वाला हूं, v की जगह मान रखने वाला हूं, तो मैं v की जगह मान रख देता हूं। देखिए v है क्या, dv बाई डी एक्स, dv बाई डी एक्स का मान है बराबर, बराबर v की जगह क्या माना था मैंने, v की जगह मैंने माना था x की पावर, क्या है देख लेता हूं, v की पावर x की पावर log x है या log x की पावर x है, एक को u माना एक को v माना दोस्तों, log x की पावर x है, तो यहां पर लिख लेता हूं log x की पावर, log x की पावर x है, x है। और यहां से ये देखो ये वाला log x ऊपर गया यहां पर, तो ये माइनस वन घात बना देगा, और यहां कोष्ठक में आ जाएगा वन प्लस log ऑफ log x गुणा log ऑफ log x, ये मैंने हैजे से लिख लिया है दोस्तों, ये मैंने हैजे से यहां पर लिख लिया। तो यहां पर ये मान आ गया है अब dv by dx का, ये मान आ गया dv by dx का, और ये मान आ गया du by dx का, यानी उत्तर लिखना है अपने को, दोनों का उत्तर लिखना है, तो d by dx of d by dx of u plus v, यानी दोनों को जोड़ना है अर्थात उन दोनों का उत्तर लिखना है अवकलन, तो du by dx plus dv by dx, यही तो उत्तर है अपना dx, यही तो अपना उत्तर है, तो दोनों को जोड़ दीजिए, दोनों को जोड़ेंगे तो x log x माइनस वन, दो log x गुणे दो log x, दो log x, अगला है प्लस log x की पावर x माइनस वन, और कोष्ठक में लिखेंगे वन प्लस log x गुणे log ऑफ log x, ये अपना फाइनल आंसर दोस्तों आया है, ये अपना फाइनल आंसर दोस्तों आया है, ये अपना फाइनल आंसर आया, तो ये फाइनल आंसर है इतना बड़ा सारा, ये अपना फाइनल आंसर है। अब इतनी तरीकों से करने में देखो दो पेज पूरे फिल हो गए हैं, दो पेज पूरे फिल हो गए हैं, इतनी लंबा प्रोसेस से बताया है, इतना लंबा प्रोसेस है आपको दोस्तों बताया है, देखिए इतना बड़ा प्रश्न हो गया है। अब यही चीज यदि मैं करना चाहूं उधर, भाई जो उत्तर आया वो शॉर्ट ट्रिक से करना चाहूं, तो इसी प्रश्न में लगाना चाहूं शॉर्ट ट्रिक, तो ये x की पावर log x, x की पावर log x, पहले log x है तो log x लिख देता हूं, log x की पावर x प्लस x की पावर log x, ये प्रश्न को मैं अब शॉर्ट ट्रिक से करना चाहूं, तो बाई शॉर्ट ट्रिक से करना चाहूं, बाई शॉर्ट ट्रिक इस प्रश्न को करना चाहूं, बाई शॉर्ट ट्रिक, भाई ब्रह्मास्त्र से इसको
निपटा देता हूं, है ना। तो ब्रह्मास्त्र की मदद से कैसे करेंगे इस प्रश्न को, ब्रह्मास्त्र की मदद से कैसे करेंगे दोस्तों। देखिए इस प्रश्न को करने के लिए मैं क्या करता हूं दोस्तों, सबसे पहले मैं दोनों का अलग अलग करने वाला हूं, वही मेरा सूत्र लगेगा कि u की पावर v हो तो उत्तर आएगा u की पावर v बटा u गुणे u डैश प्लस log u प्लस v डैश। समझ में आया होगा क्योंकि ये मैं पहले लिख चुका हूं। तो दोस्तों मैं उससे लिख रहा हूं शॉर्ट ट्रिक से, शॉर्ट ट्रिक में पहले का आंसर देखो डायरेक्ट लिख रहा हूं, पहले का आंसर क्या है जैसे लिख दो log x की घात x लिख दो, फिर आगे उत्तर ऊपर वाले को ऊपर वाला लिख दो, अर्थात क्या लिख दो ऊपर x है तो x लिख दो बटे log x लिख दो, फिर log x अगले का अवकलन कर दो, log x का अवकलन 1 बटे x होता, फिर प्लस का चिन्ह, फिर भाई u का log ले लो तो log ऑफ log x log ऑफ log x, और फिर v का अवकलन कर दो, v x है x का अवकलन 1 होता, करने की जरूरत ये हो गया। प्लस अगला अब इसका तो हो चुका है, इसका कर रहा हूं, देखिए हेजे से लिख दो, हेजे से लिख दो अर्थात क्या लिख दो हेजे से लिख दो अर्थात x की घात x लिख दो, अर्थात x की घात log x लिख दो, log x लिख दो, फिर ऊपर वाला log x बटे नीचे वाला ये x, नीचे वाले का अवकलन एक लिखने की जरूरत नहीं, प्लस इस बार क्या करेंगे दोस्तों, इस बार करने के लिए यहाँ पर नीचे वाले का log यानी log x और ऊपर वाले का अवकलन अर्थात जो जी एक्स का अवकलन एक बटे एक्स है, एक बटे एक्स, ठीक है दोस्तों। तो ये आ गया है अपने सामने एक बटे एक्स है, तो ये अपने सामने आ चुका है। अब इसको सरल करते हैं, अब देखिए इसको सरल, यही उत्तर है, फाइनल उत्तर तो आ चुका है, बस सरलीकरण कर रहे हैं, अवकलन तो कर चुके हैं, अब सरलीकरण करने के लिए कर रहे हैं भाई। देखो ये log x की पावर x है और नीचे यहाँ x x कट गया है, यहाँ x x कट गया है, यहाँ x x कट गया है, तो यहाँ पर क्या आ गया है, पहले में तो आ गया देखिए log x की पावर x है, log x की पावर x है और यहाँ पर लघुत्तम लिया है, तो लघुत्तम लेके सरल किया तो वन प्लस यहाँ पर आ गया है log x गुणे log ऑफ log x बटे log x बटे log x बटे log x, और इधर इसको सरल किया तो देखिए यहाँ पर x एक में तो x से x, यहाँ पर log x आ गया एक बटे x आ गया, तो इसमें क्या करेंगे, इसमें दोनों में देखिए x की पावर log x, x की पावर log x और यहाँ पर लघुत्तम x आ रहा है तो log x दो log x आ गया, दो log x बटे x। अब इसको सरल करना है, यानी देखो log x की पावर एक है log x की पावर x है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ log x की पावर x माइनस वन, log x की पावर x माइनस वन और अंदर लिखा है वो लिख देता हूँ वन प्लस log x कोष्टक log ऑफ log x, log ऑफ log x ये पहला वाला प्लस दूसरे वाला का लिखता हूँ x की घात, ये log x है और नीचे x की घात वन है, यानी log x माइनस वन वन और गुणे टू log x। अब भाई ये आ गया फाइनल आंसर, अब ये जो अपना उत्तर है इस उत्तर को मिलाता हूँ, देखिए ये उत्तर जो अपना है, अपना जो उत्तर दोस्तों अभी आया है ये उत्तर को मैं मिलाता हूँ, इस उत्तर को मैं मिलाता हूँ, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जो ये उत्तर आया है ये log x की पावर x माइनस वन वन ऑफ log x सर, ये देखता हूँ कि भाई तरीके से आया है उसे मैच खा रहा है या नहीं, जो मैच खा रहा है या नहीं। अब देखिए ये तरीके से उत्तर आया तो देखो x की पावर log x माइनस वन बिल्कुल ये रहा, पहली अपन ने भाई पहले वो लिख दिया उसे कोई फर्क नहीं पड़ता ये रहा, और फिर इसके बाद में log x बिल्कुल बिल्कुल यही आंसर आ रहा है, ये अपन ने पहले टर्म लिख दिया है ये बाद में लिख दिया है उससे कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अपन ने प्रश्न लिखते टाइम प्रश्न में पहले क्या लिख दिया था, ये प्रश्न जब कर रहे थे तो अपन ने प्रश्न में पहले दोस्तों x की घात log x लिखा था, तो वो उत्तर आया यहाँ log x की पावर x लिखा है, तो वो उल्टा लिख दिया एक ही बात है, तो इसलिए अपन ने पहले ये उत्तर आया फिर ये उत्तर आया, भाई पहले इसका उत्तर आया और फिर इसका आया, और प्रश्न किया था तो पहले इसको लिखा था तो इसका उत्तर प्लस इसका उत्तर एक ही बात है, दो में चार जोड़ो या चार में दो जोड़ो एक ही बात है, तो सेम टू सेम यहाँ पर दोस्तों उत्तर आया है, सेम टू सेम यहाँ पर उत्तर आया। अब एक और प्रश्न करना चाहूंगा, एक और प्रश्न छोटा सा कर लेता हूं, देखिए अब छोटा सा प्रश्न एक और कर रहा हूं, तो देखिए q
क्वेश्चन एक छोटा सा प्रश्न और कर लेता हूँ, उसको मैं आपको सीधे शॉर्ट ट्रिक से ही बताने वाला हूँ। अब दोनों प्रश्नों को दोस्तों शॉर्ट ट्रिक से ही बताने वाला हूँ। अब दो प्रश्न इस पर और कराने वाला हूँ, चर की घात चार में, एपेक्स की घात जेक्स वाले टाइप वन में, फिर टाइप वन को क्लोज करूंगा। अब देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न है कि एक्स की घात साइन एक्स प्लस साइन एक्स की घात कोस एक्स, साइन एक्स की घात कोस एक्स। अब भाई साहब मैं इसको तरीके से करने वाला ही नहीं हूं, ठीक है, इसको मैं शॉर्ट ट्रिक से करने वाला हूं, तो सीधा शॉर्ट ट्रिक से उड़ाने वाला हूं इस प्रश्न को। उत्तर बोलिए किसी को समझ में आ रहा है तो। बाई शॉर्ट ट्रिक, बाई प्रश्न है एक्स की पावर साइन एक्स प्लस साइन एक्स की पावर कोस एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन कीजिए। तो बाई शॉर्ट ट्रिक से इस प्रश्न को उड़ाने वाला हूं। शॉर्ट ट्रिक को कहा जाता है दोस्तों ये ब्रह्मास्त्र, तो इस प्रश्न को मैं ब्रह्मास्त्र की मदद से उड़ाने वाला हूँ, इस प्रश्न को ब्रह्मास्त्र की सहायता से उड़ाने वाला हूँ। अब देखिए, ये ब्रह्मास्त्र की सहायता से इसको उड़ाऊं, इसके लिए मैं पहले x की पावर साइन x का करना चाहता हूँ, पहले x की पावर साइन x वाले का शॉर्ट ट्रिक लिखता हूँ। देखिए उत्तर लिख रहा हूँ दोस्तों उत्तर लिख रहा हूँ, पहले है जैसे का जैसे लिख दो, x की पावर साइन x बिल्कुल लिख दिया, फिर क्या कर दो, ऊपर वाला ऊपर लिख दो तो साइन एक्स लिख दिया, बट्टे नीचे वाला नीचे लिख दो, ठीक है, नीचे वाला पूरा मान के अवकलन कर दो, एक्स का अवकलन एक गुणा एक लिखने की जरूरत नहीं, प्लस फिर लॉग नीचे वाला लॉग एक्स, और फिर साइन एक्स का अवकलन मतलब वी का अवकलन कोस एक्स आ गया, कोस एक्स आ गया। भाई साहब ये समझ में तो आ रहा है कैसे लिख रहा हूं, प्लस अब दूसरे की शॉर्ट ट्रिक लिखने वाला हूं, दूसरे की शॉर्ट ट्रिक लिखना हुआ, यहाँ यू का मान है साइन एक्स, वी का मान है कोस एक्स, तो पहले u की घात v यानी है जैसे का जैसे लिख दो, है जैसे का जैसे मतलब sin x की घात cos x बिल्कुल लिख दिया साहब, फिर ब्रैकेट लगा दो, फिर ऊपर वाला ऊपर लिख दो, लिख दिया, बटे नीचे वाला नीचे लिख दो, अब नीचे वाला बोला कि मुझको नीचे ही रखोगे क्या, तो इसका अवकलन कर दो, अर्थात sin का अवकलन गुणा में cos x, तो गुणा में cos x, ठीक है, फिर क्या करेंगे फिर उसके बाद में प्लस का चिन्ह लगा देंगे, फिर log ऑफ u यानी log ऑफ नीचे वाला log ऑफ sin x, और फिर cos x का अवकलन माइनस sin x, यानी यहाँ sin x और ये माइनस जो माइनस उधार है इसको यहाँ पर लिख देते हैं, कहाँ पर, यहाँ पर प्लस की जगह माइनस में कर देता हूँ, ताकि ये माइनस दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा, ये माइनस अंदर वाला। अब उत्तर आपके सामने आ चुका है, यही उत्तर है, इसको यदि सरल करना चाहो तो कर सकते हो दोस्तों। कैसे सरल करोगे कि भाई इससे x लघुतम लिया तो यहाँ पर आ गया x की पावर sin x और यहाँ पर आ गया sin x प्लस का चिन्ह प्लस cos x log x और बटे sin x, ये मैंने क्या किया, ये और एक x और आएगा, ये x को यहाँ लिख देता हूँ दोस्तों, x को यहाँ लिख देता हूँ या आगे लिख देता हूँ, चलो आगे लिख देता हूँ, है ना, थोड़ा डर तो लगेगा लेकिन आगे लिख देता हूँ, गुणा x है ये x है ना और ये नीचे x, और यहाँ पे इसी प्रकार से इसमें भी साइन x की पावर क्या है cos x, भाई अवकलन तो ऊपर आ चुका है, ये ओनली मैं आपको ऐसे ही बताना चाहता हूँ कि भाई आगे ऐसे कर सकते हैं, सरलीकरण बता रहा हूँ, cos square x है और माइनस log sin x गुणे sin x है, इसमें भी क्या करना, ये बटे ये देखिए sin x, अब देखो ये sin x है ना, ये sin x ये ऊपर जाएगा तो इसकी पावर sin x की पावर cos x माइनस वन बना देगा और इसकी पावर x की पावर sin x माइनस वन बना देगा, मतलब x की पावर sin x माइनस वन और cos तक में आ जाएगा आपके sin x प्लस x cos x, x cos x, x cos x, ये पूरा x लिख दो भाई, है ना, x cos x log x, ये आ गया आपका ये वाला, प्लस इसको भी करना चाहूं तो देखो sin x की पावर cos x था, sin x की पावर cos x था और फिर नीचे वाली एक घात माइनस होके यहाँ पर होगी cos x माइनस वन, और यहाँ पर अंदर में जो है वो लिख दो, sin x बाहर चला गया है, ठीक है, तो ये आपका आ गया फाइनल आंसर, तो सीधा शॉर्ट ट्रिक से कर दिया, यदि इसको मैं तरीके से करता तो 3-4 पेज बढ़ जाते, और इसका उत्तर तो दोस्तों मैं बताऊं यही आ गया है, इसका उत्तर तो यही, बस यही उसका उत्तर है, आगे तो मैंने सरलीकरण किया, आगे तो मैंने
सर लिख की क्लास को अपन यहीं खत्म करते हैं दोस्तों। तो कैसी लगी आपको ये क्लास, कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलता रहता है। और दोस्तों अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को इस फ्री क्वालिटी एजुकेशन की मुहिम में जो क्लासें चल रही है, 11वीं 12वीं के संपूर्ण पाठ्यक्रम की जो सीरीज चल रही है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को जोड़ें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलते जाएंगे। तो हम रोज मिलते रहेंगे और इसी से सारे एक एक प्रश्न, एक एक थ्योरी, एक एक शॉर्ट ट्रिक, एक एक क्वेश्चन को नस्ते नाबूद करने वाले हैं। तो दोस्तों आपका हमसे जुड़ने के लिए शुक्रिया।